मैं आपको 37 के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूँ, जिसका दो पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपल के तीन भाग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों पढ़ा चुका हूँ, तीनों का उदाहरण दे चुका हूँ, तीनों आप समझ भी चुके होंगे। यहाँ मैं विशेष रूप से कुछ और उदाहरण दे करके आपको और स्पष्ट करना चाहता हूँ, पार्टिसिपल को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, इसमें दो तरह से आएगा, एक तो आएगा दो वाक्य रहेंगे चाहे तीन वाक्य रहेंगे, तो अगर दो वाक्य एक साथ आएंगे तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होगा और वर्ब अलग अलग होगा। तो ऐसे वाक्यों में, दोनों वाक्यों में दो कार्य होंगे, जो कार्य पहले होगा उसी को पार्टिसिपल में बदल देंगे। अगर कार्य जल्दी जल्दी होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कार्य में थोड़ा गैप होगा, या पूर्णतया एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल करेंगे, और दूसरा वाक्य वैसे ही कामा लगा के रख देंगे। एक तरह से तो ये होगा। और यदि तीन वाक्य आएंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। जैसे दो वाक्य का उदाहरण हमने आपको दिया है, आप याद रखें करें, पहला वही दिया है कि ही सा द टाइगर ही रैन अवे। पहले वाक्य का भी सब्जेक्ट ही है, दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट ही है। पहले शेर को देख रहा है और तुरंत भाग रहा है, देखते देखते भाग रहा है, तो ये हो जाएगा सीइंग द टाइगर कामा ही रैन अवे। शेर को देखते ही वह भाग गया, या शेर को देखते देखते वह भाग गया, यही अर्थ होता है सीइंग का, देखते ही भाग गया या देखते देखते भाग गया या देखते हुए भाग गया, देखकर भाग गया नहीं, देखते देखते भाग गया, देखा और भागना शुरू कर दिया, अभी देख ही रहा था, देखने का काम पूरा नहीं हुआ था तब तक भागना शुरू कर दिया। तो एक तो ऐसे रहेगा, और दूसरा रहेगा, दूसरे तरह से रहेगा कि जब दो वाक्य एक साथ आएंगे और उन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, या अभी इसको रहने दीजिए, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही रहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए तीन वाक्य आएंगे तो उन्हीं तीन वाक्यों का भी सब्जेक्ट एक रह सकता है, तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक रहेगा। तो जब तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक रहेगा तो निश्चित रूप से तीनों वाक्यों में अलग अलग तीन कार्य होंगे, तो एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा उसके बाद तीसरा काम होगा। तो जो काम सबसे पहले होगा उसको पार्टिसिपल बदलेंगे, उसके बाद जो दूसरा काम होगा उसको भी पार्टिसिपल बदल देंगे, और तीसरा काम जो होगा वो वैसे ही रह जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर तीन वाक्य आते हैं, तीनों के सब्जेक्ट एक ही है, माने काम करने वाला एक ही है, कर्ता एक ही है, तो जो काम सबसे पहले होगा उसको पहले पार्टिसिपल बदल देंगे, उसके बाद जो दूसरा काम है उसको पार्टिसिपल बदल देंगे, और तीसरा वैसे ही रह जाएगा। जैसे दो वाक्यों का बनाए हैं वैसे तीन वाक्यों का बना लेंगे। जैसे एक उदाहरण यहाँ है, द पुअर मैन वर्कड, गरीब आदमी ने काम किया, ही लाफ्ड, वह हंसा, ही दस स्पेंट हिज लाइफ, और इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो द पुअर मैन वाक्य का सब्जेक्ट पुअर मैन है, गरीब आदमी ने काम किया, ही लाफ्ड, वही हंसा, ही उसी के लिए आया है तो यहाँ भी सब्जेक्ट वही है, और ही दस स्पेंट हिज लाइफ, और इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत कर दिया, यहाँ भी ही उसी के लिए आया है, तो तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है। अब आप इसमें देखें कि कौन सा काम सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है, गरीब आदमी काम किया, दूसरा काम क्या है, हंसा, और तीसरा है इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अब देखिए, एक काम से दूसरे काम में पूरा कुछ गैप है कि तुरंत हो रहा है, एक काम अभी खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो जा रहा है कि पूरा खत्म होने पर हो रहा है, उसी के अनुसार आप लगाएंगे। यदि एक काम अभी शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यदि पूरा पूरा खत्म होकर दूसरा शुरू हो रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप देखिए, तो कह रहा है द पुअर मैन वर्क्ड, गरीब आदमी ने काम किया, ही लाफ्ड, वह हंसा, तो काम करता था और उसी के दौरान हंसता था ना, ऐसा नहीं था कि काम कर दिन भर काम करता था शाम को बैठ के खूब हंसता था, ऐसा तो है नहीं, दोनों काम साथ चल रहे हैं, काम करता था उसी में हंस भी लेता था, तो क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा वर्किंग, काम करते हुए एंड, और वो हंसता था और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था, तो हंसने में और जीवन व्यतीत करने का भी काम लगभग साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं था कि हंस लेता था तब स्विच दबाता था कि अब हमारा जीवन जो है खत्म हो, हंस रहा है उसी में जीवन भी कट रहा है समाप्त हो रहा है, वो भी काम साथ ही चल रहा है, इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हो गया वर्किंग एंड लाफिंग, काम करते हुए और हंसते हुए, कामा द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, गरीब आदमी ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, यहाँ द पुअर मैन ले आइए, क्योंकि ही लगाएंगे तो ही पता नहीं किसके लिए है, अब पुअर मैन लगा देंगे तो पुअर मैन के लिए है, जीवन अपना पुअर मैन ही व्यतीत कर रहा है, काट रहा है और हंस रहा है और काम कर रहा है, तो हो गया वर्किंग एंड लॉफिंग द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार आप बना सकते हैं, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। तो यह एक तरह का है, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट या तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट या चारों वाक्यों का सब्जेक्ट, जितने वाक्य रहेंगे सारे के सब्जेक्ट अगर एक रहेंगे तो आप यह नियम लगाएंगे, माने एक के बाद देखें कैसे काम हुआ है, तो अगर चार काम हुए हैं तो और एक के बाद एक हो रहे हैं और चार काम हुए हैं तो तीन काम को पार्टिसिपल बदल देंगे और चौथा जो लास्ट वाला काम है जो सबसे अंत में हो रहा है वह क्रिया रह जाएगी और बाकी तीन वाक्यों की क्रिया जो क्रमशः पार्टिसिपल में बदल जाएगी, यही काम इसमें हुआ है। एक उदाहरण और इसका देख लीजिए, राम रेज्ड हिज गन, राम ने अपनी बंदूक उठाया, ही टुक एम, वह निशाना लिया, ही शॉट द टाइगर, वह चीते को मार दिया, इसमें भी सब्जेक्ट एक ही है, राम ने अपनी बंदूक उठाया, वही निशाना लिया, वही चीते को मारा, लगातार तीनों काम हो रहे हैं। अब देखिए काम में विलंब हो रहा है कि जल्दी हो रहा है, पहला काम तो है राम ने बंदूक उठाया, इत्मीनान से उठाया होगा, उसमें कोई जल्दी तो थी नहीं, और बंदूक उठा लिया तो निशाना लेगा तुरंत, और निशाना अगर ले लिया तो तुरंत मार भी देगा, तो पहला काम तो देर से हो सकता है, राम रेस्ट हिज गन, बंदूक उठाने में वो आराम से उठा सकता है, लेकिन उठाने के बाद बंदूक लेके चुपचाप पड़ा नहीं रहेगा, निशाना तुरंत ले लेगा, लेना शुरू कर देगा, और निशाना ले लेगा तो तुरंत मार देगा। तो यहाँ बना सकते हैं राम रेस्ट हिज गन, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हैविंग रेस्ट हिज गन, हैविंग रेस्ट हिज गन, अपनी बंदूक उठा लेने के बाद तुरंत निशाना ले रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड टेकिंग एम कामा राम शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर न लगा करके यहां राम लगा दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकिंग एम कामा राम शॉट द टाइगर, इस प्रकार ये बन गया। तो अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि एक प्रकार ये है जिसमें तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, हैविंग रेज्ड हिज गन, हैविंग मत लगाइए, खाली रेज्ड हिज गन बना दीजिए तब भी सही है, रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठाए हुए, क्योंकि रेज्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विशेषता बता रहा है गन की क्या विशेषता थी, उठाई गई थी, तो इतना ही बना सकते हैं, इस हैविंग को हटा भी सकते हैं तब भी सही है, ऐसे इतना ही से हो सकता है, और ये कैपिटल से हो जाएगा तो हो जाएगा रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठाए हुए एंड टेकिंग एम, और निशाना लिए हुए राम किल्ड दी
टाइगर, राम शॉट दी टाइगर, राम ने टाइगर को मार दिया। तो एक तरह का तो ये है। दूसरा, दो वाक्य एक साथ आएंगे और उनके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो जब उनके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो फिर उसमें काम नहीं देखना है कि एक के बाद एक काम हो रहा है क्या हो रहा है। उसमें आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उन दोनों वाक्यों में कोई एक, किसी एक वाक्य में नाउन होगा और उस नाउन की विशेषता दूसरा वाक्य बताता रहेगा, दूसरे वाक्य में आने वाला वर्ब या वर्ब का रूप उसकी विशेषता बताएगा। तो वो विशेषता बताने वाला जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो ठीक उस नाउन के पहले आ जाएगा जिसकी विशेषता बताएगा। ऐसा भी उदाहरण आपको दिया गया है, फिर एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। आई सा ए बॉय फुल स्टॉप ही वाज रनिंग, मैंने एक लड़के को देखा ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था। पहले वाक्य का सब्जेक्ट आई है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही है, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें मैंने एक लड़के को देखा, एक काम हो ही रहा है ही वाज रनिंग, वो दौड़ रहा है, दूसरा काम, लेकिन कोई तालमेल है नहीं क्योंकि इसमें एक के बाद एक काम नहीं हो रहा है, इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो मैंने एक लड़के को देखा, उस लड़के की क्या विशेषता थी? तो ही वाज रनिंग, वो दौड़ रहा था, यानी मैं दौड़ते हुए लड़के को देखा। रनिंग जो है आई एन जी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है जो विशेषता बता रहा है। तो बनेगा तो क्या हो जाएगा, अब रनिंग उठ के आ जाएगा बॉय के पास, बॉय के पहले लग जाएगा, एक ही शब्द है रनिंग। अगर दो तीन शब्द रहता विशेषता बताता तो फिर बॉय के बाद आता, लेकिन एक ही शब्द विशेषता बता रहा है इसलिए पहले हो जाएगा। तो हो जाएगा आई सा ए रनिंग बॉय, आई सा ए रनिंग बॉय। ऐसे ही मान लीजिए ये रहता आई सा ए बॉय फुल स्टॉप ही वाज रनिंग इन द फील्ड, तो रनिंग इन द फील्ड ये पूरा विशेषता बता रहा है। तो अब रनिंग इन द फील्ड बॉय के पास आएगा, लेकिन रनिंग इन द फील्ड तीन शब्द है इसलिए बॉय के पहले नहीं लगेगा, तो अब बाद में लगेगा। तो हो जाएगा आई सा ए बॉय रनिंग इन द फील्ड, आई सा ए बॉय रनिंग इन द फील्ड। ऐसे ही तीन वाक्य आएंगे, उन तीनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो उसमें आप इस नियम को भी लगाएंगे, और अगर दो वाक्य के सब्जेक्ट एक रहेंगे तो पहला वाला नियम लग जाएगा। जैसे जैसे आपको एक उदाहरण और इस पर भी मैं देने चल रहा हूं, तो ये देखिए उदाहरण, ये वाक्य है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई सा ए बॉय ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। तीन वाक्य है, पहला आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई सा ए बॉय ही वॉज प्लेइंग, पहले और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आई है एक ही है, तीसरे का ही है अलग हो गया। तो पहला और दूसरा में पहला नियम लगा दीजिए, पहला काम क्या हो रहा है स्कूल जाने का, दूसरा हो रहा है लड़के को देखने का, तो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए क्योंकि स्कूल जाने के दौरान ही लड़के को देखा, काम उसी के साथ हो जा रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप बना हुआ है, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल कामा आई सा ए बॉय, स्कूल जाने के दौरान मैंने एक लड़के को देखा, आई सा ए बॉय मैंने एक लड़के को देखा, ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, इसको जोड़िए। तो इसका सब्जेक्ट अलग है तो दूसरा नियम लग जाएगा। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, बॉय की, जो नाउन है, बॉय नाउन है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। लड़के की क्या विशेषता थी, प्लेइंग इन द फील्ड, तो प्लेइंग इन द फील्ड बॉय के पास आ जाएगा, यानी ठीक उसके बाद ही लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल आई सा ए बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, गोइंग टू स्कूल आई सा ए बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, बन गया। तो दो ही तरह का रहेगा, एक तो दोनों का सब्जेक्ट एक रहेंगे तो एक को पार्टिसिपल बदलेंगे, कामा लगा के दूसरा वाक्य वैसे ही रखेंगे, जो काम पहले हो रहा है उसी पार्टिसिपल बदलेंगे, चाहे वो दूसरे वाक्य का काम हो रहा हो चाहे पहले वाक्य का, और एक जो है जब अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे तो विशेषता बताता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है ए हंगरी फॉक्स आ सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स फुल स्टॉप दे वेयर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, एक भूखी लोमड़ी ने अंगूरों के कुछ गुच्छों को देखा,
दे वेयर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक लता से लटक रहे थे, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो अंगूर के गुच्छों की क्या विशेषता है, लता से लटक रहे हैं, तो बन गया उसी के पास आ गया, ए हंगरी फाक्सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, बन गया आराम से बन गया। तो इस तरह से जो है विशेषता बताता रहेगा, बन जाएगा। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल का भी बना सकते हैं। आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सैनिक को देखा, ही वॉज वुंडेड इन द फील्ड, वो मैदान में घायल था, तो सैनिक की क्या विशेषता थी, मैदान में घायल था, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, आई सा ए सोल्जर वुंडेड इन द फील्ड, बन गया। तो इस प्रकार मुझे विश्वास है कि अब आप पूरी तरह से इसको समझ लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत ना हुई होगी, होगी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स लिखिएगा, मैं फिर उसका निराकरण करूंगा। और अब अगले चैप्टर में आपको इन्फिनिटिव के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।